एसटीसी फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है कला शिक्षा शिक्षण। इसके अंतर्गत हम कला शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अलग अलग जैसे अनुकरण विधि, अभ्यासात्मक विधि और अनुकरण जो रैखिक विधि है, इनके बारे में चर्चा कर ली थी। अंतिम क्लास में हम विधिनिष्ठ प्रसंग विधि के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भी इसके विधिनिष्ठ प्रसंग विधि है उसके दो भाग। Well,
छात्र की
अन्य करते और अन्य शिल्प कार्य छात्र की रुचि के रूप में अन्य शिल्प कार्य छात्र की रुचि के अनुकूल सिखाने में सावधानी रखनी चाहती है। सिखाने में रखी जाती है और उन्हें दक्षता प्राप्त करा दी जाती है और उन्हें दक्षता प्राप्त करा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक वो है इस विधि में छात्रों को कार्य करने की स्वतंत्रता रहती है। इस विधि में छात्रों को कार्य करने की स्वतंत्रता रहती है। इस विधि में छात्रों को कार्य करने की स्वतंत्रता रहती है। वह जगत में विचरण वह कल्पना जगत में विचरण करते हुए स्वतंत्र भाव प्रकाशन करते हुए स्वतंत्र भाव प्रकाशन करने में और उन्मुक्त रहता है। स्वतंत्र और उन्मुक्त रहता है। प्रत्येक छात्र कुशाग्री कौशल श्रेणी का नहीं होता, इसलिए व्यक्तिगत शिक्षक में इस तथ्य को अच्छी तरह जानना है कि व्यक्तिगत शिक्षक को करवाते समय क्या क्या इसके दोष हैं। इनके दोषों के बारे में हम कल के क्लासेस में चर्चा करेंगे। आज की जो क्लासेस में व्यक्तिगत शिक्षक चर्चा की व्यक्तिगत शिक्षण नीति में व्यक्तिगत शिक्षक से तात्पर्य उस शिक्षण से है जिसमें बालक की या व्यक्ति की रुचियों, उसकी क्षमताओं, उसकी आवश्यकताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखकर अलग अलग शिक्षण दिया जाता है। इस विधि में एक ही छात्र को प्रत्येक रूप से शिक्षण दिया जाता है। यही कि छात्र को कक्षा में बालक को कक्षा में एक ही छात्र समझा जाता है। इस विधि के गुण हैं। इस विधि से बालक की व्यक्तिगत रुचियों, उसकी क्षमता और शक्ति का अच्छा विकास किया जा सकता है। दूसरा है छात्र में उत्तम व्यवहार और उत्तम गुणों का विकास प्रत्येक रूप से शिक्षक की देखरेख में किया जा सकता है। तीसरा है छात्र को समुचित सामग्री उपलब्ध कराते हुए उसकी विशेषताओं और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण दिया जा सकता है कि उसको जिस चीज में रुचि है उसके अनुसार उसको शिक्षण सामग्री शिक्षक के द्वारा दी जाती है और उसकी रुचि के अनुसार कार्य उसमें वो करता है। नेक्स्ट है छात्र की शक्तियों को ज्ञात करके उपयोग में लाने का कार्य में किया जा सकता है। शिक्षक के द्वारा छात्र की जो दबी हुई शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को यहाँ अवसर दिया जाएगा और बालक की जो दबी हुई शक्तियाँ हैं वो सामने आएगी और उस शक्तियों को एक आयाम नया मोड़ दिया जा सकता है। छात्र का पूर्ण अध्ययन करके उसके पूर्व अर्जित जो ज्ञान है उस पूर्व अर्जित ज्ञान को जानते हुए आगामी कलात्मक ज्ञान क्रियात्मक विषयों द्वारा ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। और क्रियात्मक ज्ञान करता समय जो शिक्षक होगा वो शिक्षक उनको मिट्टी कागज करते और अन्य शिल्प कार्य छात्र के अनुसार प्रदान करेंगे और उसमें जो सावधानियां हैं उस सावधानियों के अनुसार शिक्षक के देखरेख में वो कार्य करते हैं और उन्हें उन देखरेख के अनुसार उनको उस
रहेगा, यानी जो उसके मन के अंदर जो बात जागृत हो है वही उस कृति में या उसी भाव को उजागर करने का यहाँ अवसर देगा। आज की क्लास